गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर और जागोर में से बड़ा शेर होता है, लेकिन फिर भी तीन तीन शेर मिलकर एक मगरमच्छ को क्यों नहीं मार पाते? और पानी में तो शेरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये जागोर जिसका साइज और वेट शेर से काफी कम है, फिर भी ये अपने से काफी बड़े केमन और मगरमच्छ को मारता है। केमन पानी में बहुत ही फुर्तीला होता है, और केमन को सिर्फ इंसानों और जागोर से ही खतरा होता है, क्योंकि इंसान इन्हें चमड़ी के लिए मारते है और जागोर पेट भरने के लिए। ऐसा क्या है कि शेर एक भी केमन को नहीं मार पाते और जागोर अपने से बड़े केमन को पानी में घुसकर मार डालते हैं? तो ऐसा ये अपनी दो खासियत की वजह से कर पाते हैं। पहला तो इनकी बाइट फोर्स जो 1500 PSI है, जिससे ये मगरमच्छ की खोपड़ी तोड़ देते हैं, और दूसरा इनकी हंटिंग स्किल, क्योंकि जगुआर जानते हैं केमन और मगरमच्छ का सबसे वीक पॉइंट गर्दन की हड्डी, जहाँ पर पकड़ते ही मगरमच्छ तुरंत मर जाते हैं। इसी वजह से जागुआर शेरों से बेहतर केमन को मार पाते हैं। तो गाइस, क्या आपको ये बातें पहले पता थी? अगर नहीं तो ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने मिले।